पास है। प्रीति बहू, बड़ी माँ आप आइए ना, अंदर आइए। नहीं, अभी बाहर चलो हमारे साथ, घर के सभी लोग थारे से बात करना चाहते हैं। चलो आओ। अलमारी में थारे सारे कपड़े डालकर थारे को थारे मायके भेज दूंगा। प्रीति बहू, ये अलमारी तन्ने मंगवाई, मारे को बिना बताए? नहीं दादाजी, मैंने ये अलमारी नहीं मंगवाई। पर रसीद तो थारे नाम की है, और कोई क्यों मंगाएगा? जवाब दो बहू। कहीं ऐसा तो नहीं घर के कॉकरोचों ने अलमारी मंगाई? क्योंकि घर के अलमारी में कॉकरोचों के लिए जगह कम पड़ रही थी ना। ये क्या कह रहा है बिलास, अलमारी की बात में कॉकरोच कहाँ से आए? अरे ये मैं नहीं कह रहा, आपकी नई नवेली बहू कह रही है। ऐसे बोल तो इसके मुंह से फूटे हैं। आंधी बवंडर की तरह सबको बोल रही थी कि उसके अलमारी में कॉकरोच भरे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, हाँ? तो ठीक है, पूछ लो अपने बहुओं से, मनीषा काजल, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? अरे बोलो बोलो। जी पापा जी। देखा, मैं कभी झूठ बोलता ही नहीं, मैं क्यों बोलूं? मैं तो बोलूंगा ही नहीं। मारे घर में कॉकरोच कैसे आ सकते हैं? हो ही नहीं सकता। माँ जी, सारे घर की साफ सफाई हम लोग खुद करते अपने हाथों से। सब कुछ विभोर का किया धरा है। माँ जी, पूछिए ना इसे, ये छुप क्यों है? दादी वो रहने दीजिए माँ। मैं बताता हूँ दरअसल हुआ क्या है। वो एक्चुअली एक्चुअली रीति को एक नई अलमारी चाहिए थी, तो मैंने उसे परमिशन दे दी। में
टेढ़ापन कैसे आ गया? ये क्या कह रहा है विभोर? मनचले का सौदा हो गया ये तो, जिसके जो जी में आए वही खरीद के ले आए। अरे तू तो जानता है ना, इस घर में कोई भी नई चीज खरीदने से पहले पूरे घर में सलाह मशवरा होता है, उसके बाद दिन वार तिथि देखी जाती है, शुभ घड़ी देखी जाती है, और सबसे बड़ी बात, कोई भी नई चीज खरीदने के लिए थारे दादाजी अपने हाथों से पैसा देते हैं। घर के रीति रिवाज नियम सब भूल गया तू? कैसे तूने अपने मन से परिवार के पैसे से रीति बहू के लिए नई अलमारी मंगवा ली, किसी से पूछा भी नहीं? सॉरी दादी, लेकिन कोई इंसान किसी माहौल में नया नया आए और एक ही दिन में सब कुछ समझ जाए, ये तो आसान नहीं है ना। मैं खुद रीति की तरफ से आप सबसे माफी मांगता हूं। लेकिन इसमें रीति की कोई गलती नहीं है। अब वो इतने बड़े घर से आई है, उसे आदत है अपने अकेले के बेड पे सोने की, अपने पूरे की अकेली अलमारी, यहाँ पे कितना एडजस्ट कर रही है बेचारी। जाने दीजिए, माफ कर दीजिए इसे।